Maybe. फायर एक इंडियन इरोटिक ड्रामा है। ये कहानी दो महिलाओं की है जो अपने लाइफ पार्टनर की बेरुखी की वजह से एक दूसरे के करीब आ जाती हैं और जाने अनजाने में उनके बीच एक प्रेम का एहसास जन्म लेता है जो उन्हें तमाम सामाजिक बंधन और पारिवारिक रुकावटों के बावजूद अलग नहीं कर पाता। लेकिन इससे पहले कि हम इस बात को जानें कि आखिर वो दोनों कैसे लेस्बियन प्रेम की राह में इतनी दूर चली आईं और कौन सी चीज़ों ने उन्हें मजबूर किया और क्यों उन्होंने एक दूसरे में ही अपनी खुशियां ढूंढ ली, तो फिल्म की यात्रा पर चलने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे साथ आप केवल फिल्म की कहानी ही नहीं सुनते हैं बल्कि हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी रूहानी यात्रा पर जो आपके जहन में बस जाती है। तो आइए शुरू करें। हमारी पहली नायिका सीता की शादी चंद रोज पहले ही जतिन नाम के एक लड़के से हुई है। शादी के बाद ये जोड़ा ताजमहल घूमने जाता है, लेकिन सीता इस बात से जितनी एक्साइटेड है जतिन उतना ही उदासीन दिखता है, जैसे उसे सीता के साथ होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। ऐसा नए नवेले कपल में कम ही देखने को मिलता है। अक्सर नए कपल एक दूसरे से काफी जुड़ावा महसूस करते हैं। जतिन की बेरुखी की वजह से शादी के 3 दिन के भीतर ही सीता को उससे ये पूछना पड़ता है कि क्या वो उसे पसंद भी करता है, वह उससे शादी करना चाहता भी था या नहीं। सीता के प्रति शुरू से ही उसके चेहरे पर बेरुखी देखी जा सकती है, हालांकि वो सीता के सवाल को बातों बातों में ही टाल देता है। सीता छोटे शहर से थी जहाँ उसके परिवार ने उसे रीति रिवाजों और सामाजिक पारिवारिक बोझ तले दबा रखा था। हालांकि उसे उम्मीद थी कि बड़े शहर में उसकी ज़िंदगी अपने पति के साथ पहले से बेहतर होगी, उन्हें प्यार होगा। जतिन का परिवार एक जॉइंट फैमिली है जिसमें जतिन की बूढ़ी दादी, उसका बड़ा भाई अशोक और उसकी पत्नी राधा भी साथ रहती है। यहाँ एक नौकर भी काम करता है, इसका नाम मुंडू है, जो फैमिली के छोटे से फूड स्टॉल और फोटो वीडियो लाइब्रेरी चलाने में मदद करता है। और मुंडू दुकान में काम तो करता ही है और साथ में तीनों अशोक की बूढ़ी दादी की देखरेख भी किया करता है। जब सीता दुल्हन बनकर इस घर में आई तो बड़ी एक्साइटेड थी, भले ही उसका पति उससे उसके प्रति रूखा है और उसे यकीन है कि वो सब कुछ ठीक कर लेगी। वो जब कमरे में अकेली होती है तो हाई वॉल्यूम पर म्यूजिक लगा कर जतिन के कपड़े पहन डांस किया करती है। ये बात उसे खुशी देती है। जैसे तैसे सीता के दिन जतिन के घर में बीतने लगते हैं तो उसने घर में कई चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर दिया है, जैसे उसका पति जतिन हर रोज रात में बाहर चला जाता है और देर रात को घर वापस आता है। दूसरी ओर बड़े भैया अशोक हैं जो हद से ज़्यादा ही धार्मिक हैं और किसी स्वामी के चक्कर में पड़े हैं। दूसरी तरफ घर का नौकर मुंडू है जो रोज ही बीजी के साथ कमरे में रामायण देखा करता है। ऐसा लगता है जैसे मुंडू बीजी का बड़ा अच्छे से ख्याल रखता है, पर बीजी इसके बावजूद उसे पसंद नहीं करती। वो बोल नहीं सकती है और हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती है, इसलिए घंटी बजाकर अपना गुस्सा या प्यार जाहिर करती है। सीता भी आजकल फूड स्टॉल में राधा का हाथ बटाने लगती है। राधा हमारी फिल्म की दूसरी मुख्य नायिका है। राधा के साथ काम करने से सीता का मन घर में लगा रहता है। धीरे धीरे राधा और सीता काफी समय साथ बिताने लगते हैं। वे एक दूसरे से अपने दिल की बात किया करते हैं। रात में दुकान बंद करने के बाद उन दोनों के पास काफी समय होता है। मुंडू बीजी के साथ कमरे में रामायण देखता है, जबकि जतिन रोज की तरह दुकान बंद करने के बाद कहीं चला जाता है। दूसरी तरफ अशोक है जो स्वामी के आश्रम उनके प्रवचन सुनने चला जाता है। जब सीता की शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन अशोक अपने छोटे भाई जतिन को कहता है कि वो अपनी पत्नी सीता के साथ ज्यादा समय बिताया करे, वो क्यों एक बच्चे के लिए ट्राई नहीं करता है। अशोक घर में एक बच्चा इसलिए चाहता है क्योंकि उसकी पत्नी राधा माँ नहीं बन सकती है। अशोक कहता है कि उसे अपनी पत्नी सीता के प्रति अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। अशोक जतिन से ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे उसके अफेयर की जानकारी है। अशोक उससे पूछता है कि क्या वो अब भी उस चीनी लड़की से डेट कर रहा है जिससे वो शादी से पहले भी मिला करता था। उन्होंने तो जतिन को चीनी लड़की से शादी करने का एक मौका भी दिया था, पर तब जतिन ने शादी के लिए सीता को चुन लिया था।
अशोक कहता है कि अगर उसे उस चीनी लड़की को ही डेट करना था तो उसने सीता की जिंदगी बर्बाद क्यों की। उसका बड़ा भाई अशोक उसके पिता की तरह है, वो उम्र में भी उससे काफी बड़ा है, इसलिए उसे कुछ भी कह सकता है। लेकिन जब अशोक उसे उस चीनी लड़की से दूर रहने की बात कहता है तो दोनों भाइयों में काफी बहस होती है। हालांकि उस रात काफी बहसबाजी होने के बावजूद पहली बार अपनी पत्नी सीता के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट रखता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे अपनी पति होने की ड्यूटी पूरी करनी थी। जतिन अपनी चीनी लड़की से अफेयर के बाद ज्यादा दिनों तक सीता से छुपाकर नहीं रख सका। जल्द ही सीता को भी ये बात पता चल जाती है कि उसके पति जतिन का एक चीनी लड़की से अफेयर है, उसी से मिलने हर रोज रात में वो बाहर जाया करता है। दूसरी तरफ अशोक है जो स्वामी जी के चक्कर में पिछले कई सालों से पड़ा हुआ है, वो तो उसे अपने प्रॉफिट में से ही हर महीने कुछ शेयर भी दिया करता है। सीता जतिन के बड़े भाई अशोक को किसी संत की तरह समझती है, उसने तो राधा को एक बांझ होने के बावजूद भी नहीं छोड़ा। अगर कोई दूसरा मर्द होता तो बच्चे की लालच में दूसरी शादी कर चुका होता, ऊपर से वो एक धार्मिक आदमी है। सीता को लगता है कि एक आदमी का धार्मिक होना उसके नैतिक रूप से भले होने का प्रतीक है। हालांकि राधा के साथ समय बिताते हुए वो ऐसा महसूस कर सकती है क्योंकि वो अपने पति अशोक के बारे में इतना अच्छा नहीं सोचती। आज से बहुत समय पहले जब अशोक को पता चला कि उसकी पत्नी राधा माँ नहीं बन सकती, तब उसने कई डॉक्टरों से इसका इलाज कराया, पर इसके बावजूद उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि समस्या राधा या अशोक में से किसकी है ये भी संशय है। बाद में अशोक अपनी समस्या को लेकर स्वामी जी के पास भी गया और धीरे धीरे स्वामी जी को विजिट करते हुए वो उसका पक्का चेला बन गया। स्वामी जी के प्रवचनों का असर उसके दिमाग पर ऐसा हुआ कि वो संसार की मोह माया छोड़ने के चक्कर में अपनी पत्नी राधा से दूर होता चला गया। अशोक का मानना है कि स्त्री और पुरुष को कोई फिजिकल रिलेशन केवल तभी रखना चाहिए जब वो एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हो। अब क्योंकि राधा भी माँ नहीं बन सकती, इसलिए उसके साथ फिजिकल रिलेशन रखने का कोई मतलब ही नहीं है। पिछले 13 सालों में उसने राधा के साथ कोई अंतरंग संबंध नहीं रखा है। जब हर रात की तरह आज भी राधा और सीता घर में अकेली होती हैं, तो उनके घर के नीचे से एक बारात जा रही होती है। वो दोनों काफी देर तक उस बारात को देखती हैं और आपस में बातें करती हैं। लेकिन सीता को ना जाने अचानक क्या होता है कि वो अपने कमरे में रोने लगती है। शायद इस बारात को देखकर उसे अपने बर्बाद शादी का ख्याल आ जाता है। उसने सोचा कि उसका पति उससे बहुत प्यार करेगा, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब राधा उसे रोते हुए सुनती है तो उसके कमरे में जाकर उसे दिलासा देने के लिए गले लगा लेती है। थोड़ी देर गले लगाने के बाद न जाने क्या होता है, उन दोनों के बीच नज़दीकी ऑकवर्ड सी होने लगती है। तब अचानक सीता उसके होंठों को पकड़कर चूम लेती है। कई सालों बाद राधा ने भी किसी के होंठों की गर्माहट महसूस की थी, उसे भी सीता के साथ अच्छा लगा। लेकिन वो उस समय वहाँ से चली गई, पर राधा को पूरी रात नींद नहीं आई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो कैसा महसूस कर रही है। धीरे धीरे घर में दोनों ही बहुएं एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। कभी सर पर तेल लगाने के बहाने तो कभी किसी और बहाने से वो एक दूसरे को छुआ करती थी। घर का नौकर मुंडू भी उनके बीच नज़दीकियाँ नोटिस कर सकता है। आजकल ना तो राधा और ना ही सीता को अपने पति की कमी खलती है। सीता को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका पति जतिन रोज अपनी चाइनीज प्रेमिका से मिलता है, और ना ही राधा को चिंता है कि उसका पति अशोक उसे छूता भी नहीं है। जब दुकान बंद करने के बाद जतिन अपनी चीनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है और अशोक स्वामी जी के आश्रम में टाइम पास करता है, तो इस अकेलेपन का फायदा उठा उठा कर राधा और सीता एक दूसरे की जरूरत पूरी करती हैं। हालांकि इसके बावजूद भी अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, पर उन्हें भी पता है कि इसकी उनके पतियों को कोई परवाह नहीं है। वे देर से ही घर वापस आएंगे, इसलिए मजबूरन उन्हें एक दूसरे को देखकर ही इस व्रत को तोड़ना पड़ता है। कुछ दिनों से अशोक ये नोटिस कर रहा है कि आजकल सीता घर में बड़ी खुश रहने लगी है। अशोक को ये लगता है कि जरूर वो प्रेग्नेंट है। दोनों भाइयों के सामने भी राधा और सीता करीब रहने की ही कोशिश करती हैं, और भाइयों को इस बात का कोई फर्क ही नहीं है कि दोनों के बीच असल में चल क्या रहा है।
एक दिन जब घर में कोई नहीं होता है तो वो बीजी के सामने पुराने गानों में डांस करने लगती हैं। लेकिन ये डांस कैसे और कब वल्गर हो जाता है और उनके काबू से बाहर चला जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता। तब उन्हें एक साथ घर का नौकर मुंडू देख लेता है, लेकिन तब वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहता। असल में वो राधा मैडम का दीवाना है, उसकी तस्वीर हमेशा अपने पास रखता है। वो इस मौके की तलाश में है कि कब उसे ब्लैकमेल करके उसका फायदा उठाए। मुंडू दिखने में जितना सीधा है, अंदर से उतना ही बदमाश है। वो कमरे में टीवी पर रामायण नहीं देखता है, बल्कि जतिन की वीडियो लाइब्रेरी से पॉन टेप उठाकर पॉन देखता है। क्योंकि बीजी कुछ नहीं बोल सकती, इसीलिए उसकी शिकायत किसी से नहीं कर सकती। यही वजह है कि बीजी मुंडू को ज़रा भी पसंद नहीं करती और उसके आते ही ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाने लगती है। लेकिन एक दिन मुंडू की किस्मत ख़राब होती है। वो पॉन देखने में इतना मशगूल होता है कि सीढ़ियों से ऊपर आते किसी को सुन नहीं पाता। उसे पॉन देखते हुए राधा पकड़ लेती है। बीजी के कमरे में घुस के उसकी इस हरकत को देख कर राधा उस पर गुस्सा करती है। वो बड़े गुस्से में ही उसे बुरी तरह डांटती है। पर जाते जाते मुंडू भी राधा को कहता है कि उसे भी उसके और सीता के बीच आजकल जो कुछ चल रहा है उसकी पूरी जानकारी है। राधा और सीता को नहीं पता था कि कोई भी उनके छुपे हुए रिलेशन के बारे में जानता है। हालांकि मुंडू के इस राज को जान लेने के बावजूद उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। राधा ने अशोक से मुंडू की शिकायत कर दी थी। वो बीजी के कमरे में पॉन देखा करता है, लेकिन अशोक ये कहकर कि वो अभी जवान है और इस शर्त पर कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराएगा, वो उसे काम से नहीं निकालता है। हालांकि राधा ये डेस्परेटली चाहती है कि मुंडू को काम से निकाल दिया जाए। आखिर इसमें उसका भी हिडन एजेंडा है। राधा के जोर देने के बावजूद अशोक ने उसे घर से नहीं निकाला तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है और वो राधा से अंतरंग मिलन की डिमांड करने लगता है, लेकिन इसका उससे कोई फायदा नहीं होता है। दूसरी तरफ आजकल जतिन भी महसूस करने लगा है कि जैसे उसकी पत्नी सीता को उसके घर में होने या ना होने का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे उसका उसके सामने कोई मोल ही ना हो। उसे तो अपनी पत्नी के लिए उसका विधाता होने की चाहत थी। वो चाहता था कि सीता बिना किसी शिकायत के उसकी सेवा किया करे, भले ही उसका बर्ताव उसके साथ जैसा भी हो। पर अब सीता वैसी नहीं रही, वो जैसे उससे उबती गई हो। घर का नौकर मुंडू ये भली भांति जानता है कि राधा और सीता के बीच समलैंगिक रिश्ते का बनना रोज की बात है। ऊपर से राधा की तरफ से उसे कोई मौका भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में उन दोनों के राज को दबाए रखने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता। एक दिन जब हर रात की तरह घर में जतिन और अशोक नहीं है और देर रात में लौटेंगे, तो दोनों बहुएं बिस्तर पर होती हैं और एक दूसरे से प्यार करती हैं। मुंडू इसका फ़ायदा उठाना चाहता है और रात में स्वामी जी के आश्रम चला जाता है, जहाँ वो अशोक को राधा और सीता के रिश्ते की जानकारी देता है। वो अब भी बिस्तर पर ही है। अशोक बड़ी बेचैनी के साथ घर आता है और राधा और सीता को बिस्तर पर एक साथ बिना कपड़ों में एक दूसरे से लिपटे हुए देखता है। उसने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है, उन्हें इसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए। अशोक के लिए भी ये एक बेचैनी भरा पल है। ये घटना उसके मर्द होने पर चोट करती है। अशोक घर के बाहर बरामदे में बैठा है और इस इंतज़ार में है कि कब राधा उसके पास आएगी और अपनी गलती के लिए उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगेगी। लेकिन आज ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। वो दोनों तो घर से भागने की योजना बना रही हैं, क्योंकि अब वो दोनों भी अलग होकर नहीं रह सकते। एक दिन उनके इस रिलेशन का पता किसी ना किसी को तो चलना ही था। सीता अपना बैग पैक करती है और घर से निकल जाती है। वो मज़ार पर राधा का इंतज़ार करेगी। राधा घर छोड़ने से पहले अपने पति से एक बार बात करना चाहती है। इधर जब राधा अशोक से अपनी हरकत के लिए कोई माफ़ी नहीं मांगती है और सीता के साथ उसके रिलेशन के लिए अशोक के ही ठंडे बर्ताव को दोष देती है, तो वो स्वामी जी के सारे प्रवचन भूल जाता है और उसे गंदी गालियां देता है और उसके साथ रेप करने की कोशिश भी करता है। पर अब उसके अंदर की सारी गर्माहट स्वामी जी के चक्कर लगा लगा कर ख़त्म हो चुकी है। घर में पूरे हंगामे के दौरान स्टॉप से राधा के पल्लू में आग लग जाती है। आग तेज़ी से भड़कने लगती है
लेकिन अशोक उसे बचाने की कोशिश नहीं करता है, बस उसे जलते हुए देखता रहता है। इधर मजार में सीता अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रही है। आज तेज बारिश हो रही है, दूर तक देखना मुश्किल है, लेकिन दूर से किसी को आते हुए देखा जा सकता है। राधा किसी तरह वहां पहुंच जाती है। उसकी साड़ी आधी जल चुकी है, पर वो अब फाइनली अपने पति का दामन छोड़कर सीता के साथ वहां से भागने के लिए तैयार है। न जाने आगे उनकी मंजिल का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, पर इसके बावजूद उनमें अपनी तकदीर को बदलने की हिम्मत है। इसी संशय में कि अब उनका क्या होगा, वो कहां जाएंगे, फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म 1996 में आई थी। उस वक्त फिल्म को काफ़ी विवादों का सामना करना पड़ा था। रोमांस ड्रामा। इस फिल्म का रनिंग टाइम 1 hour 44 minutes है और फिल्म को दीपा मेहता ने डायरेक्ट किया था और म्यूज़िक था एआर रहमान का। फिल्म को आईएमडीबी पर 7.2 की रेटिंग दी गई है और फिल्म में मुख्य किरदार शबाना आज़मी और नंदिता दास ने निभाए थे। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।